Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. Myself, C. Disha Maheshwari, a proud FinTrama, your faculty for financial management. Welcome to the brand new session of financial management. This is session number one of financial management. In this particular session, hum baat karenge, firstly, what is financial management? Ki as a subject of financial management, what are the things it is going to cover? We will be also talking about ki kaise financial management mein different aspects cover hote hain. We will be understanding the basic concepts like the concept of EPS, the concept of PE, ki jo basic concepts, the basic terms hain of financial management, usko bhi hum isi session mein understand karenge. And trust me, bahut maza aane wala hai is पूरे सब्जेक्ट को करने में. फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज समथिंग विच इज नॉट ओनली गोइंग टू हेल्प यू इन क्लियर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, बट इट्स ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू इन योर कॉर्पोरेट लाइफ एंड वेन एवर यू वॉन्ट टू डू एनी काइंड ऑफ, आई वुड से, यू नो, इन्वेस्टिंग डिसीजन और ऑल दोज काइंड ऑफ डिसीजन, आप अगेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं. सो इट्स अ रियली रियली वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. सो विदाउट डूइंग एनी डिले, लेट जस्ट बिगेन आवर फर्स्ट सेशन. So guys, in our first session, as you can already see, I have mentioned over here, that is introduction to the financial management. Now, introduction to the financial management ko understand karne se pehle ye baat kar lete hain ki financial management mein, introduction to financial management, okay, over here. फाइनेंशियल मैनेजमेंट इटसेल्फ में होता क्या है? तो अगर मैं बात करती हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने आप में तीन कॉन्सेप्ट्स और आई वुड से थ्री डिसीजंस पे स्टैंड करता है. फर्स्ट, योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकेंड, योर सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड थर्डली, योर डिविडेंड डिसीजन. दीज आर द थ्री मेजर डिसीजन जो एक फाइनेंशियल मैनेजर को लेने होते हैं इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, कि कहाँ से पैसा आएगा, उस पैसे को हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे और हमारे शेयर होल्डर्स को कितना हम डिविडेंड पे आउट करेंगे. ये तीन डिसीजन मेजरली आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में होते हैं. एंड दैट इज़ अ रीज़न कि आप आगे देखेंगे व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट चैप्टर्स आल्सो, दीज चैप्टर्स आर सेगमेंटेड दैट वे ओनली. लाइक अगर हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, ये चैप्टर इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर आते हैं. देन देयर इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस चैप्टर एंड देन देयर इज अ डिविडेंड डिसीजन चैप्टर्स. सो financial management is all about planning and controlling the financial affairs of the organization. कि आप अपनी organization के financial affairs को किस तरीके से manage करते हो to ensure that the organization achieve its objective, particularly its financial objective. कि organization अपना financial objective attain कर सकते. अभी what is a financial objective, वो हम अभी इसी session में later on understand करेंगे. But at this point in time पे आपको सिर्फ ये समझना है कि financial management means managing the affairs of the financial affairs of the organization. अब इसमें जैसा मैंने आपको बोला, देयर आर थ्री मेजर डिसीजंस, देयर आर सम अदर डिसीजंस आल्सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, बट मेजरली जो है यहाँ पे थ्री डिसीजंस आते हैं. पहला डिसीजंस आता है फाइनेंस रिक्वायर्ड, हाउ मच फाइनेंस द बिजनेस नीड फॉर इट्स ऑपरेशन, बोथ फॉर इट्स डे टू डे ऑपरेशन एंड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. तो बिजनेस को कितना पैसा चाहिए अपने डे टू डे ऑपरेशन को कैरी आउट करने के लिए और अपने लॉन्ग टर्म, यू नो, माइट बी देयर काइंड बी सम काइंड ऑफ मर्जर और एक्विजिशन या डाइवर्सिफिकेशन, उसको कैरी आउट करने के लिए. तो वो आपको एक असेसमेंट करना है, ठीक है. डे टू डे ऑपरेशन, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगी, डे टू डे ऑपरेशन के लिए जो फंड्स रिक्वायर्ड होता है उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. इसके ऊपर हमारा पूरा सेगमेंट है, दैट इज़ अ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो हम आगे करेंगे. बट यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल चीज़ समझा रही हूँ, द फंड्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर मैनेजिंग और डे टू डे ऑपरेशन को कैरी आउट करने के लिए वो होते हैं वर्किंग कैपिटल. और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स प्रोजेक्ट को कैरी आउट करने के लिए जो होते हैं वो मैंने आपको समझा दिया, दैट इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट. देन द सेकेंड डिसीजन इज सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, वेयर द फाइनेंस शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम, पैसा आएगा किधर से.
लॉन्ग टर्म फाइनेंस, जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस है वो आप इक्विटी से रेज कर सकते हो, वो आप डेट से रेज कर सकते हो, और शॉर्ट टर्म फाइनेंस आप ओपन कर सकते हो ट्रेड सप्लायर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट से। तो आपका जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है वो आपका इक्विटी कैपिटल, आपका डेट कैपिटल रहता है, और जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस है वो आपके क्रेडिटर्स और बैंक ओडी रहता है। इसके ऊपर भी हमारा स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं ऑफ द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अंदर। What should be the balance between long term and short term finance? What should be the balance between equity capital and debt capital? That is also a very important decision that in our organization a financial manager has to take. कि भाई कितना हमारा short term से finance से हम borrowings करें, कितनी हम long term से borrowings करें, कितना पैसा हम इक्विटी से रेस करें, कितना पैसा हम डेट से रेस करें, सो दैट मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बने। देन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, इन्वेस्टिंग इन अ शॉर्ट टर्म, लाइक व्हाटएवर फंड्स यू हैव टू इन्वेस्ट इन अ शॉर्ट टर्म कैश सरप्लस। देन द नेक्स्ट डिसीजन व्हिच यू हैव इज अ डिविडेंड डिसीजन, इंश्योरिंग द प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस are suitably rewarded. The organization must make sure that it can meet the interest payment on its borrowing, and company must ensure that shareholder receive an appropriate dividend out of the profit where appropriate, protecting the organization against financial risk. तो जो भी आपके provider of finances हैं, मतलब जिन्होंने भी आपको funds provide किए हैं, उनको एक adequate return देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. So अगर किसी ने आपको debt दिया है तो उसको उस timely payment of interest and repayment of debt का बहुत ज़रूरी है. Same way अगर किसी ने आपको equity finance दिया है, किसी ने आपको इक्विटी के वे में फंड्स प्रोवाइड किए हैं बेसिकली आपके शेयर होल्डर्स ने, तो उस केस में आपको उनको डिविडेंड देना बहुत ज़रूरी हो जाता है. तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, दैट हाउ यू आर मैनेजिंग इट. सो फाइनेंशियल मैनेजर मेक डिसीजन रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड. ये तीन तो आपके मेजर डिसीजन हो ही गए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन. इसके बाद एक और चीज़ होती है, दैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ रिस्क. दैट इज ऑल्सो नीड टू बी कंसिडर बाय अ फाइनेंशियल मैनेजर. जब आप ये तीनों डिसीजंस में से कुछ भी एक ले रहे हो, वेदर इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड, यू हैव टू ऑल्सो सी दैट आप अपनी रिस्क को किस लेवल पे मैनेज कर रहे हो. तो अगर मैं यहाँ पे स्मॉल वे में आपको समझाना चाहूँ वापस से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तीन डिसीजंस होते हैं. द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन, देन फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू रेज द फाइनेंस, एंड द डिविडेंड डिसीजंस. ओके, लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर, दैट इज क्वेश्चन नंबर वन. Define financial management, the management of finances of an organization. So what is the financial management? The management of finances of an organization in order to achieve financial objective of the organization. Then we have next question, question number two. What three types of decision does financial management involve? Investment decision, financing decision and the dividend decision. Simple and easy. Then we have the next thing, that is financial control. Financial control kya cheez hai? सो द कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल मीन्स कि जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो किस तरीके से सारी फाइनेंशियल अफेयर्स को मैनेज करता है. द कंट्रोल फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर बिकम रिलेवेंट फॉर फंडिंग विच हैज़ बीन रेज्ड. जो भी फंडिंग आपने ली है, जो भी पैसा आपने मार्केट से उठाया है, वेदर आपने इक्विटी के थ्रू उठाया है चाहे डेट के थ्रू उठाया है, उसको आप किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो. Are the various activity of the organization meeting its objective? जो भी हम different different activities कर रहे हैं organization में, क्या उससे हमारा objective attain हो पा रहा है? And financial manager का जो basic objective है वो wealth maximization या profit earning ही होता है. तो जो भी different different हम operations कर रहे हैं, are we able to increase our profits? Yes or no? आर असेट्स बीइंग इफेक्टिवली यूटिलाइज. दिस इज अगेन समथिंग जो कि फाइनेंशियल मैनेजर लुक फॉर करेगा कि क्या जो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट असेट्स हमने एम्प्लॉय की है उससे हम प्रॉपरली, आई वुड से इन अ सही तरीके से हम उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. एंड टू आंसर दिस क्वेश्चन, फाइनेंशियल मैनेजर मे कंपेयर डेटा ऑन एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द फोरकास्ट परफॉर्मेंस. और इन सारी चीज़ों को किस तरीके से फाइनेंशियल मैनेजर लुक फॉर करेगा, उसके लिए फाइनेंशियल मैनेजर के पास एक बहुत ही सिंपल वे है बाय विच ही कैन, लाइक ही और शी कैन डू इट. आप अपनी पहले सी व्हाट हैपेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन.
ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ पहले बजट की जाती है, हर चीज़ पहले फोकास्ट की जाती है कि इस क्वार्टर में वी विल बी गेटिंग दिस मच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, एंड लेटर ऑन वट एवर योर एक्चुअल प्रॉफिट कम्स आउट, आप अपने एक्चुअल प्रॉफिट को बजटेड प्रॉफिट से कंपेयर करोगे। अगर आपका एक्चुअल प्रॉफिट बजटेड प्रॉफिट से ज़्यादा होता है, वेरी गुड, वेरी नाइस थिंग, बट अगर आपका एक्चुअल प्रॉफिट आपके बजटेड प्रॉफिट से, यू नो, आपका एक्चुअल प्रॉफिट बजटेड प्रॉफिट से कम आता है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसके लिए फिर आपको करेक्टिव मेजर्स लेने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि किस तरीके से हमें अपनी यहाँ पे, यू नो, एक्टिविटीज को परस्यू करना है। So next question which we have is question number 3. The financial manager should identify surplus assets and dispose them. Why? So the correct answer is, a surplus assets are no interest for the business. जब आपके पास में additional assets हैं जिन पे आप कोई interest earn नहीं कर रहे हो, the business is likely to be paying cost of capital in respect of money tied up in asset, the money which can be realized by selling it. तो basically आपका एक, आपके पास में कुछ assets हैं जिससे आप किसी भी तरीके का कोई भी profit revenue नहीं generate कर पा रहे हो, तो हो क्या रहा है कि आपका पैसा blocked हो गया उन assets के ऊपर, ठीक है, और हो सकता है आपने कोई borrowings की हो to purchase those assets, तो उन borrowings पे आपको interest pay करना पड़ रहा हो, तो एक तरफ तो आप उन borrowings पे interest pay कर रहे हो और दूसरी तरफ उन assets से आपको कोई return भी नहीं मिल रहा है, तो ऐसी situation में आप उन assets को sell off करके उससे money realize कर सकते हो। If surplus assets are sold, business may be able to invest cash and realize in more productive way, or alternatively it may use cash to cut its liability. अब अगर ये जो आपकी सरप्लस एसेट्स है ये बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं है, इनसे आपको कोई भी, आपको लग रहा है कि फ्यूचर में भी मुझे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, तो आप इनको सेल ऑफ कर सकते हो, और इनको सेल ऑफ करके जो भी फंड्स आते हैं उनको आप इन्वेस्ट कर सकते हो इन अ न्यू मोर प्रोडक्टिव वे, या आप उस जो भी आपने कैश रियलाइज किया है उससे अपनी लाइबिलिटी को पे ऑफ कर सकते हो। तो आइदर वे इट विल एनहांस द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर द बिजनेस एज अ होल। तो आप दोनों में से जो भी ऑप्शन चुनते हो उसकी वजह से आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न है जो कैपिटल एम्प्लॉयड पे, वो इंक्रीज ही होएगा। बट जब आप सेल करते हो सरप्लस असेट्स को, जो हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट डिराइव दे, द बिजनेस शुड नॉट जियोडाइज द एक्टिविटी इन द मीडियम और लॉन्ग टर्म बाय डिस्पोजिंग ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी अंटिल द लाइकलीहुड ऑफ इट बींग रिक्वायर्ड इन द फ्यूचर हैज़ बीन फुली असेस्ड। तो बिफोर सेलिंग ऑफ दीज असेट्स आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि अच्छा शॉर्ट टर्म में रिक्वायरमेंट नहीं है, लेट्स सेल ऑफ देम, नो, आपको उसको मीडियम और लॉन्ग टर्म की रिक्वायरमेंट भी देखनी है। हो सकता है वो अभी फॉर यू नो नेक्स्ट 2-3 months इट्स नॉट यूजेबल, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी कि इन नेक्स्ट 5 months और इन 10 months और इन नेक्स्ट ईयर उस असेट का यूटिलाइजेशन हो। तो उस केस में अगर आपने एसेट को सेल ऑफ कर दिया तो इट इज़ नॉट अ गुड डिसीजन। तो आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म का बेनिफिट नहीं देखना, आपको ओवरऑल लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी यहाँ पे देखना है। देन वी हैव फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट अब स्टार्ट किया है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में आपने, यू नो, एमए में ऑलरेडी पढ़ा होगा, पीएम में भी यू माइट हैव स्टडीड अबाउट इट, एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज योर बेसिक अकाउंट्स। तो यहाँ पे हम इन तीनों के डिफरेंसेस पढ़ेंगे। उससे पहले आप एक सिंपल चीज़ समझिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जब मैं कहती हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग दैट मीन्स अ सिंपल अकाउंट्स। हम अकाउंट्स में करते क्या हैं, हम अकाउंटिंग में सिंपल, देर इज अ ट्रांजेक्शन जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम पॉलिसीज इन IFRS इन ऑल ऑफ दैट, और उसके बेसिस पे हम स्टेटमेंट ऑफ PNL एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन बनाते हैं, जहाँ पे हमें स्टेटमेंट ऑफ PNL से हमने ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट अर्न किया ये पता चलता है, एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन से वट इज द पोजिशन ऑफ माई असेट्स एंड लाइबिलिटी एट दैट पर्टिकुलर पीरियड इन टाइम, वो पता चलता है। सो बेसिकली वॉट आई एम ट्राइंग टू डू ओवर हियर, बेसिकली यहाँ पे मैं एनालाइज कर रही हूँ, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ फ्रॉम वट एवर यू नो ट्रांजेक्शन है उससे मैं अपनी एक पोजिशन आई एम ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि मेरी PNL की क्या पोजिशन है और मेरी असेट्स एंड लाइबिलिटी की क्या पोजिशन है। दैट्स वॉट वी डू इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज बेसिकली रिलेटेड टू कॉस्ट, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट एनालिसिस। वहाँ पे हमारा सब कुछ कॉस्ट से रिलेटेड है, तो इसीलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो यूजर्स भी होते हैं वो मैनेजमेंट इटसेल्फ ही होती है, बिकॉज मैनेजमेंट विल बी कंसर्न अबाउट दी कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल।
एंड देन कम्स द फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो अभी अभी हमने स्टार्ट किया है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेसिकली हम डील करते हैं 3 फाइनेंशियल डिसीजन से. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया, द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू रेज द फाइनेंस, एंड हाउ वी आर गोइंग टू पे ऑफ आर फाइनेंस प्रोवाइडर्स, हम डिविडेंड डिसीजन. तो यही हमारे 3 डिसीजन होते हैं. So financial accounting is concerned primarily with the maintaining system of accounts and preparing financial statement for shareholders and other external users of the financial information. Management accountant जहाँ की अगर हम बात करें, वो provide करता है information both mainly financial and non-financial, and वो help करता है management को with making decision about the planning and controlling the resources of organization. तो management accountant का काम ही ये होता है कि वो organization को help करता है in planning and controlling the resources. Whereas अगर हम financial accounting की बात करें तो वो largely, you know, it's more concerned with reporting externally about the financial historical performance. Management accounting is concerned with the internal reporting to decision maker within the organization. तो मैंने आपको पहले ही समझाया कि financial accounting के अंदर हम जो भी हमारी historical performance है उसको record करने की कोशिश कर रहे हैं कि transaction हो चुकी, उस transaction से क्या profit बन रहा है, उस transaction से क्या certain liability की चीज़ें आ रही है, वही हम कर रहे हैं. जबकि अगर हम बात करें अबाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो वो हमें एक इंटरनल डेटा देती है विच मैनेजमेंट इज गोइंग टू यूज फॉर मैनेजिंग और कंट्रोलिंग दी assets. मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन माइट आइदर बी हिस्टोरिकल और फॉरवर्ड लुकिंग इन नेचर. तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन है वो बेसिकली हिस्टोरिकल भी है और फॉरवर्ड लुकिंग भी है. हाई वो फॉरवर्ड लुकिंग क्योंकि वो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के बारे में भी बात करता है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आर कंसर्न विद द प्रोविजन एंड रिपोर्टिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन. फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो ये टोटली डिफरेंट है. इट इज कंसर्न विद मैनेजिंग द फाइनेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, रेजिंग द फाइनेंस एंड पुटिंग इट टू द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज बाय इन्वेस्टिंग इट. फाइनेंशियल मैनेजर मे हैव अ फाइनेंस मैनेजमेंट फंक्शन एज वेल एज एडवाइजरी फंक्शन टू द सीनियर मैनेजमेंट. तो फाइनेंशियल मैनेजर का जो मेन काम है ऑर्गेनाइजेशन का है, वो फंड्स को मैनेज करना, रेज करना, efficient and effective use by investing it. Okay, the next thing which we have is financial objective and corporate strategy. So the next thing which we are going to talk about is financial objective and corporate strategy. So corporate objective are those which are concerned with firm as a whole. So when we are talking about corporate objective, we are talking about organization as a whole. Objective should be explicit, quantifiable, and capable of being achieved. A corporate objective is a purpose or aim that a company is trying to achieve. The corporate objective kuch nahi hai, ek simple cheez hai ki anything which an organization as a whole want to achieve is termed as corporate objective. Now, financial target may include targets like earning, EPS, dividend per share, gearing level, profit retention, operating profit. So, जब हम financial targets की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी, कितना अर्निंग पर शेयर, लाइक एक शेयर पे कितना आप अर्न कर पा रहे हो, कितना आप डिविडेंड दे रहे हो, क्या आपका गियरिंग मींस कि डेट का परसेंटेज कितना है आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में, कितना आप प्रॉफिट रिटेन कर रहे हो, कितना आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, मतलब कि आपकी प्रॉफिट जो आप ऑपरेशंस कर रहे हो उससे कितना प्रॉफिट है. सो द मेन कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव इज एक्सप्रेस्ड एज अ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव such as maximizing shareholder wealth or maximizing profit. तो जो main corporate objective है किसी भी organization का, वो होता है आपका कि आप अपनी shareholder की wealth को maximize करें. Quantified targets can be established for some financial objectives such as, you know, a target of increasing profit by at least 10% per year for next 10 years, कि हम अगले 10 साल तक हम अपने profit को 10% से बढ़ाएंगे. Plans are formulated for achievement of the corporate objective. So in large company, longer plans are formulated as a strategies for which short-term plans are prepared. So बड़े organization में आप, you know, क्या करते हो, आप short plans बनाते हो so that you can attain a bigger plan. Setting the financial objective and financial target for the company is therefore the initial stage is an extensive process of strategic formulation and implementation. तो यहाँ पे सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे अपना ऑब्जेक्टिव, स्टैब्लिश करोगे फाइनेंशियल टारगेट्स को, डेवलप करोगे बिजनेस स्ट्रैटेजी अचीविंग द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, और कन्वर्ट करोगे स्ट्रैटेजी को इनटू एक्शन प्लान.
The three commonly used financial objective is for shareholders' wealth, profitability and growth in EPS. So जो हमारा first objective है financial objective, that is maximizing shareholders' wealth. So the overall objective of company might be stated as maximizing wealth of its owner. The shareholder, shareholder wealth is increased. Shareholders की wealth कैसे increase होगी? Dividend payment से and higher share price से. कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज को इसी तरीके से फिर डिजाइन किया जाता है कि आपको या तो हाई डिविडेंड दे पे कर पाओ और या फिर आप अच्छा यू नो शेयर प्राइस हाई हो जाए. सो वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स इन द कंपनी कम्स फ्रॉम डिविडेंड रिसीव एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर. द शेयर होल्डर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ. शेयर होल्डर को रिटर्न कैसे मिलता है? डिविडेंड के फॉर्म में, कैपिटल गेन के फॉर्म में. द मार्केट वैल्यू इज द प्राइस. मार्केट वैल्यू वो प्राइस होती है जिसपे बायर्स एंड सेलर जो है ट्रेड करते हैं स्टॉक एंड शेयर्स को इन द कंपनी. दिस इज द मैथड ऑफ वैल्यूएशन विच मोस्ट रिलेवेंट टू द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी. एंड व्हेन शेयर्स आर ट्रेडेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज द मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी कैन बी मेजर्ड बाय द प्राइस एट विच दे आर बीइंग करेंटली ट्रेडेड. तो जब वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे होते हैं तो जिस प्राइस पे वो ट्रेड हो रहे हैं उसको हम वी विल बी कंसिडरिंग एज अ प्राइस. लाइक उससे हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कंपनी के. एंड व्हेन शेयर्स आर इन प्राइवेट कंपनी तो ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं हो रहे तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उनकी मार्केट वैल्यू को असेस करना. इवन सो द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कंपनी शुड बी टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ देयर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स. Now, if there is any increase in the earnings and dividend, management can hope increase in the share price too. So, agar aapki earnings or dividend increase honge, to aapki share price bhi increase honge. So that the shareholder benefit from the higher revenue. So obviously, jab share price increase honge, to shareholder ko higher revenue ka benefit milega in the form of the capital gain. So the total shareholder ke return hote hain. How you are going to measure it? P1 minus P0 plus D1 divided by P0, where P1 jo hai price at the end of the period hai, P0 jo hai wo beginning of the period hai, aur D1 जो आपने डिविडेंड अभी पे आउट किया है. ओवर हियर वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 4. अ कंपनी परचेज 1000 शेयर्स इन रत्ना कंपनी ऑन 1st जनवरी एट अ मार्केट प्राइस ऑफ 2.5 पर शेयर. ऑन 31st दिसंबर द शेयर हैज अ एक्स डिविडेंड प्राइस ऑफ 2.8, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 0.27. व्हाट इज द टोटल शेयर होल्डर्स रिटर्न एंड व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ टोटल शेयर होल्डर्स रिटर्न. तो यहां पे हमारा पी वन जो है वो 2.8 है, P0 2.50 है, डिविडेंड 0.27 है डिवाइड बाय 2.50 जो हमें 24% देता है. सो हमारा अगर हम कैपिटल गेन की बात करते हैं तो वो है P1 माइनस P0 डिवाइड बाय P0. सो P1 हमारा 2.82 है, 2.50 हमारा P0 है डिवाइड बाय 2.50. तो 13% का 24 में से 13% का रिटर्न कैपिटल गेन से मिला है और बाकी का रिटर्न डिविडेंड के फॉर्म में मिला है. दैट इज D1 डिवाइड बाय P0 2.27 डिवाइड बाय 2.50, that's going to give me 11%. Then the next thing is maximizing profit. So the next financial objective hota hai, wo maximizing of profit hota hai. So company might express its main objective in terms of profit maximization. Target can be set for profit growth over a strategic period. If the underlying objective is to maximize shareholder wealth, target should be set for growth in profits after tax because these profits are distributable to the company's owners. So agar aapka प्राइमरी ऑब्जेक्टिव शेयर होल्डर्स वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है तो उस केस में आपको फिर क्या करना पड़ेगा? उस केस में बहुत ही सिंपल है, आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को इंक्रीज करना है. प्रॉफिट ग्रोथ ऑब्जेक्टिव हैव द एडवांटेज ऑफ सिंपलिसिटी. व्हेन अ कंपनी स्टेट दैट इट्स एम इज टू इंक्रीज 30% पर ईयर फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, द इंटेंशन इज क्वाइट क्लियर कि आप अपना प्रॉफिट 30% से इंक्रीज करना चाहते हो. जो मेन प्रॉब्लम है व्हेन यू आर सेटिंग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो तो वहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट जो है माइट बी इंक्रीज ओनली बाई टेकिंग एक्शन दैट इज हार्मफुल फॉर द कंपनी इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. जैसे कि कमी अवॉइड कर सकती है रिप्लेसिंग एजिंग इक्विपमेंट्स इन ऑर्डर टू अवॉइड हाई डेप्रिसिएशन या इंटरेस्ट चार्जेस, या अवॉइड कर सकती है इन्वेस्टिंग इन न्यू प्रोजेक्ट. सो इनकी वजह से आपका शॉर्ट टर्म में तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा बट लॉन्ग टर्म में आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेज बियर करने पड़ेंगे. इट इज ऑफन नेसेसरी टू इन्वेस्ट नाउ टू इम्प्रूव प्रॉफिट ओवर अ लॉन्ग टर्म. इनोवेशन एंड टेकिंग बिजनेस रिस्क आर ऑफन एसेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस. However, long-term success is usually only achieved by making some sacrifices in the short term, and in practice, manager often focus on short-term profitability and give insufficient thought to the longer terms. So, जो managers होते हैं वो majorly focus करते हैं on short-term profitability और long-term के goal को भूल जाते हैं. उसकी वजह से उन्हें problem आती है. And accounting profit can be manipulated. So the next question is question number 5.
कैन यू गिव थ्री एग्जाम्पल ऑफ हाउ अकाउंटिंग प्रॉफिट कैन बी मैनिपुलेटेड? सो अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है वो मैनिपुलेशन किया जा सकता है प्रोविजन सच एज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एंटिसिपेटेड लॉस या कैपिटलाइजेशन ऑफ वेरियस एक्सपेंसिस के थ्रू या एडिंग ओवरहेड कॉस्ट टू द इन्वेंट्री वैल्युएशन. द नेक्स्ट विच द वे ऑफ यू नो द ऑब्जेक्टिव दैट इज ईपीएस. सो ईपीएस वाला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से बहुत सिमिलर ही है. ईपीएस इज कैलकुलेटेड बाई डिवाइडिंग नेट प्रॉफिट टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स. अभी ईपीएस जो है वो भी अगेन एक मेजर होता है कंपनीज की परफॉर्मेंस का. एज द ईयर पासेस लाइक ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ईपीएस अगर बढ़ता है तो इट्स गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. अ कंपनी मस्ट बी एबल टू सस्टेन इट्स अर्निंग इन ऑर्डर टू पे डिविडेंड and reinvest in the business so as to achieve future growth. So investor also look for growth in EPS from year on year to year basis. The next question which we have is question number 6. Kaleen Rung made profit before tax in 2018 of 93,20,000. Tax amounted to 28 lakhs. The company share capital is as follows. यहाँ पे आपको ordinary shares दे रखे हैं, 8% preference shares दे रखे हैं. They are asking you to calculate EPS. So हमारा profit before tax 93,20,000 है. इसमें से हमने taxation minus किया 28 lakh का. So profit after tax आता है 65,20,000 का. इसमें हम preference shares को जो डिविडेंड पे करेंगे वो माइनस करेंगे. सो 20 लाख का 8% दैट इज 1,60,000 का डिविडेंड माइनस किया तो हमारे पास में जो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आ गया वो आ गया 63,60,000. इसको डिवाइड किया बाय नंबर ऑफ शेयर से तो हमारा ईपीएस आ गया 63.6 सेंट्स. सिंपल एंड ईजी. देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. एक्स वाई जेड कंपनी मेड earnings attributable to shareholders of 82,50,000 in 2018 and 88,80,000 in 2019. The company share capital was 12 million and the ordinary shares of $1 each in both the years. You have to calculate EPS for 2018-2019 and EPS growth in relative and absolute terms. So 2018 ka agar hum EPS nikalenge, so 82,50,000 ko hum number of shares se divide karenge, so we get EPS of 68.68 cents. 2019 ka agar hum karte hain, to agar hum EPS hai hamara 88,80,000 ko hum number of ordinary shares se divide karte hain, to hamara EPS aata hai 74 cents ka. सो अगर हम यहाँ पे ईपीएस की ग्रोथ देखते हैं, दिस इज़ द ईपीएस फॉर 2019 एंड दिस इज़ द ईपीएस फॉर 2018. तो अगर हम हमारी ईपीएस की ग्रोथ देखते हैं तो हमारी ईपीएस की ग्रोथ होती है 74 में से 68 माइनस करने पे 5.2 सेंट्स की. ईपीएस ग्रोथ रिलेटिव टर्म्स में देखते हैं, सो 5.2 ग्रोथ डिवाइडेड बाई द प्रीवियस ईयर ईपीएस दैट इज गोइंग टू गिव मी 7.6% ओवर हियर. The next question we have is question number 8. If EPS fall from 1 year to next year, so will the level of dividend? They are asking true or false. The answer is false. Dividend, अगर आपका EPS fall करता है, तो हो सकता है उस case में भी आप same amount of dividend payout कर दे जो आप previous period में payout कर रहे थे. Then हमारे कुछ other financial targets भी होते हैं for earning EPS and dividend per share. सो अ रेस्ट्रिक्शन द अदर जो टारगेट्स होते हैं जो कि फिनेंशियल ऑब्जेक्टिव है फिनेंशियल परफॉर्मेंस को आप देखेंगे जहाँ पे. सो रेस्ट्रिक्शन ऑन कंपनी लेवल ऑफ गियरिंग, गियरिंग कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डेट कितना है. फॉर एग्जाम्पल कंपनी माइट मैनेजमेंट माइट डिसाइड अ रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी शुड नेवर एक्सीड 1:1. तो अगर कंपनी ने डिसाइड किया है कि आपका डेट और इक्विटी का रेशियो जो है 1:1 होना चाहिए तो वो उतना ही होना चाहिए. द कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट शुड नेवर बी हायर देन 25%. तो फिर आपको अपना जो इंटरेस्ट पेमेंट का कॉस्ट है वो 25% की कैटेगरी में ही रखना पड़ेगा. अ टारगेट ऑफ प्रॉफिट रिटेंशन, फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट माइट सेट अ टारगेट दैट डिविडेंड कवर शुड नॉट बी लेस देन से 2.5% टाइम. तो आपने अगर प्रॉफिट रिटेंशन का टारगेट रखा हुआ है तो उस केस में कंपनी जो है अपना डिविडेंड ज़्यादा पे आउट नहीं करेगी, वो फिर प्रॉफिट को रिटेन करेगी. अ टारगेट फॉर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट माइट सेट अ टारगेट फॉर ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल्स अ मिनिमम ऑफ 10% और रिटर्न ऑन कैपिटल से ROC. तो ये भी टारगेट आप सेट कर सकते हो इन द ऑर्गेनाइजेशन. दीज फाइनेंशियल टारगेट, ये फाइनेंशियल टारगेट्स प्राइमरी नहीं है. प्राइमरी हमेशा आपका मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ ही रहेगा. ये सारे टारगेट्स आपके सब्सिडरी टारगेट है एंड कॉन्स्टेंट विच शुड हेल्प अ कंपनी टू अचीव इट्स मेन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव विदाउट इंक्रिंग एक्सेसिव रिस्क. दे आर यूजली मेजर्ड ओवर अ ईयर रेदर देन ओवर अ लॉन्ग टर्म. देन वी हैव नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑल्सो. सो ऑर्गेनाइजेशन की जो
ग्रोथ है वो सिर्फ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स पे ही डिपेंडेंट नहीं होती, इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन दी नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो. सो फर्स्ट ऑफ देम इज द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज, कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज का वेलफेयर का ख्याल रखना है. यू हैव टू सी कि आप उन्हें गुड वेजेस दें, अच्छी सैलरी दें, कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशन दें, गुड ट्रेनिंग दें, करियर डेवलपमेंट दें, गुड पेंशन दें. अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये सब चीज़ें होंगी तो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज विल स्टे एंड स्पेंड, यू नो, मैनी कंपनी विल प्रोवाइड जनरस पेमेंट और स्पेंड मनी ट्राइंग टू फाइंड ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट फॉर रिक्रूटेड स्टाफ. Then welfare of the management also. So manager will often take decision to improve their own circumstances, even though their decision might will incur expenditure and reduce profit, like high salaries, company cars and other perks are the example of manager promoting their own interest. Then the provision of service. A major objective of some company will include fulfillment of responsibility to provide services to the public. So आपको आप public के लिए क्या facility provide कर रहे हो, जैसे कि if I talk about British Telecom and British Gas, they are providing services to the general public. Providing services of course a key responsibility of government department and the local authority. Then fulfillment of responsibility towards customer, कि आप अपने customer के लिए क्या कर रहे हो. So responsibility to a customer include providing good time, product or service of a quality that customer expects and dealing with honesty and fairly with the customer. तो आपने customer के साथ सही तरीके से सही transaction कर रहे हो. A reliable supply arrangement and after sales service arrangement are important. Then we have the fulfillment of responsibility towards suppliers. My suppliers के side भी हमें सही तरीके से करना पड़ेगा. So responsibility towards supplier express mainly in terms of trading relationships. A company size could give it considerable power as a buyer. Company should not use its power unscrupulously and supplier might rely on receiving prompt payment in accordance with the agreed terms of trade. Then welfare of a society as a whole. So management of some companies are aware of the role that company has to play in exercising corporate social responsibility. These include ki aap laws ke saath, rules ke saath follow up kar rahe ho, responsibility to minimize pollution kar rahe ho, ya aap, you know, jo government ki green policies hai unko fulfill kar rahe ho ya nahi kar rahe ho. So company may also consider their positive responsibility and see to it. इसके अलावा भी आपके कुछ नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लाइक ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन एंड लीडरशिप इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. देन द नेक्स्ट विच वी हैव इज द स्टेक होल्डर. सो स्टेक होल्डर्स हमारे इंडिविजुअल ग्रुप या अफेक्टेड ग्रुप और हु आर अफेक्टेड बाय द एक्टिविटीज ऑफ फर्म. दे आर क्लासिफाइड, ये इंटरनल भी हो सकते हैं, कनेक्टेड भी हो सकते हैं एंड एक्सटर्नल भी हो सकते हैं. बेसिकली स्टेक होल्डर्स वो लोग जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड हैं. Internal stakeholders, employees and the managers and the director connected. Aapke shareholders, debt holders, bank suppliers, they are all connected. And external government, local and national communities and professional regulatories. Then we have next question, that's question number 9. You have to correct option which are the stakeholder group for a company. Employee, ordinary share, board of director, all of above. The answer is solution D, that's all of the above. Then objective of the stakeholders. Stakeholders ke kya objective hota hai? Let's talk about them. So the various, so the objective of stakeholders. So the various group of stakeholder in a firm will have a different kind of a objective. So agar hum baat karte hain ordinary shareholders ka, to ordinary shareholders ka kya objective hoga? Ordinary shareholders sabse zyada risk lete hain. To unka jo objective hoga, wo of course maximization of shareholders wealth hi hone wala hai. Ki bhai unka profit bade, ki dividend bade, yehi unka objective hone wala hai. Agar hum baat karte hain trade payables ya creditors ki, so trade payables have supplied goods and services to the firm. So trade payables will generally be profit maximizing. Unka bhi yehi hoga ki भाई फर्म्स का प्रॉफिट बढ़े, कम फर्म जो है करेक्ट टाइम पे पेमेंट कर सके ऑन ड्यू डेट. ऑन द अनदर हैंड दे यूजली विश टू इंश्योर दैट दे कंटिन्यू देयर ट्रेडिंग रिलेशनशिप विद द फर्म एंड मे सम टाइम बी प्रिपेयर टू एक्सेप्ट लेटर पेमेंट टू अवॉइड द, यू नो, कि रिलेशनशिप खराब ना हो. इसलिए वो कई बार, यू नो, वो कंटिन्यू एक्सेप्ट भी करते रहते हैं. बट जो उनका मेजर ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि भाई आप उन्हें टाइमली पेमेंट मिले और उनको बिजनेस मिलता रहे. देन लॉन्ग टर्म पेबल्स.
लॉन्ग टर्म जो हमारे लॉन्ग टर्म के क्रेडिटर्स हैं उन जैसे कि बैंक्स हुए उनका क्या यू नो ऑब्जेक्टिव्स होगा, उनका ऑब्जेक्टिव यही होगा कि उनको टाइमली पेमेंट रिसीव हो जाए, इंटरेस्ट पेमेंट, उनको कैपिटल ऑन लोन जो है वो भी टाइमली रिसीव हो जाए, वेयर द लोन इज सिक्योर ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी, अगर असेट्स पे कंपनी के असेट्स पे सिक्योर है तो लेंडर विल बी एबल टू अपॉइंट अ रिसीवर टू डिस्पोज ऑफ द कंपनी असेट इफ द कंपनी डिफॉल्ट ऑन द रीपेमेंट, टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी दैट दिस मे रिजल्ट इन लॉस टू द लेंडर इफ द असेट्स आर नॉट sufficient to cover the loan. The lender will wish to minimize the risk of default and will not wish to lend more than its prudent. So obviously us particular scenario mein wo kya karenge, us particular scenario mein wo prudency ka hi concept applyenge and obviously they are not going to lend funds if agar aapne pehle wala payment timely clear nahi kiya hai. एम्प्लॉयज़ की अगर हम बात करें वो ऑफकोर्स वो चाहेंगे कि उनके रिवॉर्ड्स को मैक्सिमाइजेशन हो, सैलरीज को बेनिफिट्स हो अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर स्किल एंड द रिवॉर्ड्स अवेलेबल इन द अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट. मोस्ट एम्प्लॉय विल ऑल्सो वॉन्ट कंटिन्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट्स. देन गवर्नमेंट की अगर बात करें, गवर्नमेंट हैज़ ऑब्जेक्टिव विच कैन बी फॉर्मुलेटेड इन ऑल पॉलिटिकल टर्म. गवर्नमेंट एजेंसीज हमेशा ये चाहेंगी कि उनका टैक्स टाइमली पेमेंट हो, प्रोविजन ऑफ ग्रांट, हेल्थ सेफ्टी रेगुलेशन, ट्रेनिंग जो भी उन्होंने अप्लाई किया है वो सही तरीके से फॉलो हो. मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट हैज़ लाइक अदर एम्प्लॉयज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग इट्स रिवॉर्ड्स. डायरेक्टर्स मैनेजर हमेशा यही चाहेंगे दैट दे डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मस्ट मैनेज द कंपनी फॉर द बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर्स. द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिवॉर्ड्स एंड मैक्सिमाइजेशन माइट कॉन्फ्लिक्ट विद द एक्साइज ऑफ दिस ड्यूटी. देन हर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एजेंसी रिलेशनशिप. एजेंसी रिलेशनशिप बेसिकली जो शेयर होल्डर्स हैं वो ओनर ऑफ द कंपनी है और जो डायरेक्टर्स हैं वो दे आर रनिंग कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स. सो शेयर होल्डर्स ओनर एंड द योर ओनर्स आर द पीपल हु आर रनिंग ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी. सो डायरेक्टर्स उसके बिहाफ पे रन कर रहे हैं. सो यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यू नो सिंस डायरेक्टर्स आर रनिंग कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स तो यहाँ पे उनके बीच में एक एजेंसी रिलेशनशिप आ जाता है और उस एजेंसी रिलेशनशिप इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड द शेयर होल्डर एक्सप्रेसिंग द आइडिया दैट मैनेजमेंट एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द शेयर होल्डर. तो जो मैनेजमेंट है वो एजेंट होते हैं शेयर होल्डर्स के एंड यूजिंग डेलीगेटेड पावर टू रन द कंपनी इन शेयर होल्डर्स बेस्ट इंटरेस्ट. देन शेयर होल्डर्स एंड द मैनेजर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये जो एजेंसी रिलेशनशिप है इसमें कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाता है एंड व्हाट आर द रीजंस. फर्स्टली द मॉरल हज़ार्ड. मैनेजर जो है वो हमेशा अपना इंटरेस्ट देखेगा. सो दीज इंक्लूड्स कि वो चाहेगा कि उसको कंपनी से गाड़ी मिले, यू नो लंचेज एंड ऑल ऑफ दैट. सो वहाँ पे मैनेजर जो है अपने इंसेंटिव्स को देखेगा व्हेन ही हैज़ नो शेयर एंड ओनली अ फ्यू या फिर बहुत कम शेयर है तो यहाँ पे वो अपना प्रॉफिट देखेगा बल्कि कंपनी का ओवरऑल बेनिफिट नहीं देखेगा. एफर्ट लेवल में भी इश्यूज आ जाता है. मैनेजर्स जो हैं वो कम काम करेंगे बिकॉज दे फील दैट दे आर नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी. सो उनके एफर्ट्स कहीं ना कहीं रिड्यूस रहेंगे एंड कुड बी लोअर प्रॉफिट्स एंड लोअर शेयर प्राइस. द प्रॉब्लम विल एग्जिस्ट इन लार्ज कंपनी एट द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज सीनियर मैनेजमेंट. तो ये प्रॉब्लम मिडिल लेवल और सीनियर मैनेजमेंट पे आ सकती है. द इंटरेस्ट ऑफ द मिडिल मैनेजर एंड द इंटरेस्ट ऑफ सीनियर मैनेजर माइट वेल बी डिफरेंट स्पेशली इफ द सीनियर मैनेजर आर गिवन पे इंसेंटिव टू अचीव हायर प्रॉफिट्स बट द मिडिल मैनेजर्स आर नॉट गिवन. देन यू हैव अर्निंग रिटेंशन. द रेन्यूमरेशन ऑफ डायरेक्टर्स एंड द सीनियर मैनेजर इज ऑफन रिलेटेड टू द साइज ऑफ द कंपनी रेदर देन इट्स प्रॉफिट्स. दिस गिव मैनेजर इंसेंटिव टू ग्रो द कंपनी, increase its sales turnover and assets rather than to increase the return to the company shareholder. Management are more likely to want to reinvest profit in order to make companies bigger rather than the payout the profit as dividend. So next is risk aversion. Executive directors, your senior manager hai, unko company stable chahiye. So they want the interest in the stability of company, isliye wo kai baar risk nahi lenge. And because of this, they will protect their job and future income. Aur uski wajah se kya hoga ki wo nayi opportunities mein invest nahi karenge. And uski wajah se long term mein company ko, you know, because they are risk averse, to company ko loss ho sakta hai. Then contract shareholders might want a company to take bigger risk if the expected returns are sufficiently high.
देन वी टॉक अबाउट टाइम हॉरिजन। शेयर होल्डर्स जो हैं उनको लॉन्ग टर्म हॉरिजन में काम करना होता है, जबकि जो हमारे मैनेजर्स हैं दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन द शॉर्ट टर्म। दिस इज पार्टली बिकॉज दे रिसीव एनुअल बोनसेस बेस्ड ऑन द शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस एंड पार्टली बिकॉज दे माइट नॉट एक्सपेक्ट टू बी विद कंपनी फॉर मोर देन फ्यू ईयर्स। सो मैनेजर माइट देयरफॉर हैव एन इंसेंटिव टू इंक्रीज अकाउंटिंग रिटर्न ऑन कैपिटल वेयर अ शेयर होल्डर हैव ग्रेटर इंटरेस्ट इन द लॉन्ग टर्म शेयर वैल्यूज। Then we have shareholders, managers and the government. So taxation, government hamesha chahegi. Government raise taxes on sales and profit and it also expect company to act as a tax collector for income tax and sales tax. So tax structure might influence investors and the preference for other, you know, for either dividend or the capital growth. Encouraging in new investment, government jo hai ho sakta hai provide kare funds to do investments. It might also encourage private investment by offering tax incentives. Then encouraging a widespread of ownership. So in the UK, government has made some attempts to encourage more private individual to become company shareholder by means of attractive privatization issue and tax incentives such as tax-free saving accounts to encourage individual to invest in share. Then legislation, government may influence companies in the relationship between shareholders, creditors, managers, and the general public, including the Companies Act. So government jo hai wo legally bhi impact kar sakti hai. Economic policy, government economic policy jo hai wo affect kar sakti hai business activity like the exchange policies and all of that. So policy and economic growth, inflation, employment, interest rate, and these all are related to the business activity. So this is what we have covered in this particular session and in this particular chapter. Let's do a quick recap of the entire chapter over here. So financial management is basically concerned about managing the affairs, financial affairs of organization. Jahan humne teen cheeze padhi, kitna finance requirement hoga, kitna sources of finance hai, kitna investment decision hai. Then humne baat kiya tha ki, you know, what is a financial control? So kis tarike se financial manager organization ke affairs ko manage karta hai, and then he is going to compare the actual performance with the budgeted one. Then we have talked about difference between financial management, management accounting, financial accounting. So bahut simple baat kare to financial accounting mein hum historical data se, you know, apna statement of P&L, statement of financial position nikalte hain. Management accounting mein hum cost control, cost analysis ki baat karte hain. Aur financial management mein hum teen decisions, that is dividend, our investment and sources of finance pe baat karte hain. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, व्हाट आर द मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, दैट इज मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ. शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइज होगी थ्रू डिविडेंड एंड द मार्केट वैल्यू. देन वी हैव डन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. देन वी हैव टॉक्ड अबाउट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट. तो यस, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है. देन वी हैव टॉक्ड अबाउट ईपीएस. सो ईपीएस की अगर हम बात करते हैं तो ईपीएस इज अर्निंग पर शेयर, दैट इज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड अवेलेबल टू शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय ऑर्डिनरी शेयर्स. ये भी हम यही चाहेंगे कि हर साल बढ़ता रहे, कि ये बढ़ेगा तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर ही है. देन वी हैव यू नो टॉक्ड अबाउट नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव. तो नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय, वेलफेयर ऑफ मैनेजमेंट, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड कस्टमर, टूवर्ड सप्लायर एंड वेलफेयर एज सोसाइटी एज अ होल. देन हमने बात की थी स्टेक होल्डर्स की, जो कि कनेक्टेड होते हैं विद द ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनल एम्प्लॉय, पेंशनर्स, मैनेजर्स कनेक्टेड आर स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, डेट होल्डर्स एंड द बैंक सप्लायर्स. एंड एक्सटर्नल्स आर गवर्नमेंट प्रेशर ग्रुप्स, लोकल अथॉरिटीज एंड ऑल ऑफ देम. देन हमने बात की थी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेक होल्डर्स की. सो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का ऑब्जेक्टिव होगा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. ट्रेड पेबल्स का ऑब्जेक्टिव होगा कि उनको टाइमली पेमेंट आता रहे, बिजनेस आता रहे. लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स का ऑब्जेक्टिव यही होगा कि उनका इंटरेस्ट टाइमली पे हो और रीपेमेंट टाइमली हो. एम्प्लॉयज़ का ऑब्जेक्टिव ये होगा कि उनका एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू रहे और उनको रिवॉर्ड्स मिलते रहे. गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव कि जो भी उन्होंने पॉलिसीज फ्रेम की है, टैक्सेशन एंड ऑल ऑफ दैट, वो कंपनी सही तरीके से फॉलो करे. देन वी हैव टॉक्ड अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ एजेंसी रिलेशनशिप. तो जो रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट और शेयर होल्डर होता है उसे एजेंसी रिलेशनशिप कहते हैं, जहाँ पे शेयर होल्डर एजेंट होता है और मैनेजर जो है वो आपका बेसिकली शेयर होल्डर ओनर होता है एंड मैनेजर इज द एजेंट. बट यहाँ पे अगेन देर आर सम प्रॉब्लम्स लाइक मॉरल हैजार्ड, एफर्ट लेवल, अर्निंग रिटेंशन, रिस्क एवर्जन एंड टाइम होरिजन प्रॉब्लम. देन वी हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट
shareholder, manager and government. So shareholder, manager, government is somehow like government is going to, you know, taxation ke through, new investments ke through and widespread ownership ke through and legislation ke through and economic policies ke through, they are going to affect the management and the shareholders over here. So with this, we come to the end of this particular chapter. So with this, we have completed our session number one, जिसमें हमने financial management क्या होता है, financial management के concepts क्या होते हैं, and financial management में stakeholders क्या होते हैं, what is a profit maximization, you know, what is a wealth maximization, ये सारे concept cover up किए हैं. This is all I wanted to cover in this particular session. I will be meeting you again in the next session. Till then, this is Siyedisha Maheshwari signing off.